अब आपको सीधा लेके चलते हैं आगरा, जहां योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। प्रदान करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की इस ब्रज भूमि पर कदम रखने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ था। अपनी सहजता, अपनी सक्रियता, अपनी मिलनसारिता और वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए माननीय नड्डा जी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए जहां लोकप्रिय रहे हैं, आज से ही नहीं अपने जीवन के हिमाचल प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधि और मंत्री के रूप में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती में ही प्रवेश किया है। मैं इसके लिए आदरणीय नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं नड्डा जी जब केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कितना बड़ा कार्य हुआ है, ये आप भी आपके सामने एक छोटी सी मिसाल में रखता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से मैं अपना चार्ज लेकर के कार्य करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कैंसर संस्थान और हर एक जिले के लिए कार्डियक एम्बुलेंस 2-2 उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रदेश के 43 जनपदों में नड्डा जी ने बड़ी ही सहजता के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर डायलिसिस की यूनिट उपलब्ध कराने और मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से दूर दराज के गांव में भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन्होंने बड़ी सहजता के साथ, बड़ी उदारता के साथ अपना सहयोग प्रदान किया और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश जैसे भारी भरकम प्रदेश में हम लोग आज बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। और यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत के रूप में नड्डा जी के ही कार्यकाल में लागू किया था। और इसलिए मैं आज उत्तर प्रदेश की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर, एक ऐसा नेतृत्व जिसने भारत के 130 करोड़ लोगों के जीवन में एक विश्वास भरा है, आत्म गौरव का भाव भरा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मजबूती के साथ ही भारत की परंपरा, भारत की विरासत और भारत की सांस्कृतिक मूल्य और आदर्शों को आगे बढ़ाने का एक जज्बा भरा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा को कई गुना आगे बढ़ा करके भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। हम सब जानते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में वर्तमान में चल रहे तनाव के मध्य भी
दुनिया से एक आवाज निकल रही है और वह आवाज है कि अगर भारत मध्यस्थता करेगा तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये है नया भारत। इस न्यू इंडिया के निर्माण में मोदी जी के संकल्प के साथ हर भारतवासी जुड़ सके, यह आज की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की दृष्टि से आज मैं आप सबके सामने, जब नड्डा जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, तो भाइयों बहनों हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि वर्तमान की जो भ्रम की स्थिति विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, वामपंथी दल हो, तमाम अन्य क्षेत्रीय दल हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनकी लूट खसोट की दुकानें बंद हो रही हैं, उनके द्वारा जब भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जनता को वास्तविकता के अवगत करा करके हम लोग राष्ट्र पुनर्निर्माण की और एक भारत श्रेष्ठ भारत की वर्तमान कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ सके। इस दृष्टि से आज नड्डा जी का आगमन आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। भाइयों बहनों, विपक्ष की चिढ़ का कारण है और वह कारण जिन मुद्दों को इन्होंने वोट बैंक के साथ जोड़ा था, भारत की परंपरा और विरासत को अपमानित करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए जिन मुद्दों को इन्होंने अपने साथ लेकर के चले थे, जो नहीं जिन मुद्दों के आधार पर चाहते ही नहीं थे किनका समाधान हो, आज जब मोदी जी के नेतृत्व में एक एक करके सभी का समाधान हो रहा है, हर गरीब को मकान मिल रहा है, हर गरीब को शौचालय मिल रहा है, हर गरीब को रसोई गैस मिल रही है, हर गरीब को विद्युत कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, हर किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं, कहीं रेलवे, कहीं हाईवे, कहीं वाटरवे, ये सभी योजनाएं मिल रही हैं, और एक तरफ भारत के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान का मार्ग निकालने की कार्रवाई हो रही है। उन स्थितियों में विपक्ष का स्वाभाविक रूप से बौखलाहट उनकी स्वाभाविक रूप से दिखाई दे सकती है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होना, आतंकवाद के खात्मे की अंतिम ताबूत पर कील है और इस दिशा विपक्ष बौखला रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, दुश्मनों की भाषा बोल रहा है। यही स्थिति 500 वर्षों से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण की जो मांग चली आ रही थी, 76 से अधिक युद्ध लड़े हिंदुओं ने, लाखों हिंदू शहीद हुआ, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग मोदी जी के नेतृत्व में लिखा हुआ है। और इस दिशा में आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो कार्य वर्तमान में प्रारंभ हुआ है, हम सब गौरवशाली हैं, हमें अपनी आंखों से भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये नागरिकता कानून भी इसी क्रम में जुड़ा हुआ, भारत की विरासत और अस्मिता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत की परंपरा, शरण में आए हुए की रक्षा करना, और शरण में आए हुए की रक्षा करना, हर हाल में रक्षा करना, ये भारत की परंपरा रही है। और आज उसी का अनुसरण करते हुए पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, ये नागरिकता कानून किसी के विरोध में नहीं, न किसी जाति, न किसी मत, न किसी मजहब, न किसी क्षेत्र, न किसी भाषा, और सबके बावजूद फिर विरोध का औचित्य क्या? ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। तब भी कांग्रेस, सपा, बसपा और तमाम दल विरोध कर रहे हैं। हम इनकी वास्तविकता को समझें और इसी वास्तविकता का एहसास कराने के लिए आज नड्डा जी का आगमन आगरा की धरती पर हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भाइयों बहनों, लोकतंत्र में हर दल को, हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है।
लेकिन लोकतंत्र की आड़ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को विखंडन की ओर धकेलने की किसी भी व्यक्ति और किसी भी संगठन को इजाजत नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि जिन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर आगजनी की, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से हम लोग करेंगे। और इसी कार्रवाई को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। आज वही लोग आज आ रहे हैं कि साहब गलती हो गई, और जब उपद्रवियों को लगा है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि पहले तो उपद्रवियों के पैर छू करके सरकारें उनकी मन्नत करती थी कि भैया मान जाओ तुम्हें हम ये देंगे, और हमने कहा कि देखिए हम सुविधा गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे। समाज में बिना भेदभाव शासन की योजनाएं दी गई हैं और दी जा रही हैं, लेकिन उपद्रवियों से सरकारी संपत्ति और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कीमत भी वसूलने का कार्य सरकार करेगी। और अगर देश के विरुद्ध नारेबाजी किसी ने की तो फिर देशद्रोही धाराओं में बंद करने की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने की तैयारी सरकार ने तय किया है। और आज उसी से लोग घबरा उठे हैं, जो लोग कल तक सीमी के आह्वान पर, पीएफआई के आह्वान पर जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आज उनको लगने लग गया कि अब अवैध रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी जब्त हो गई, तो वे लोग तो दुम दबा करके बैठ गए। अब अपनी महिलाओं को और बच्चों को आगे करके जगह जगह माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चिंता की कोई बात नहीं, सारे मामलों को सरकार और प्रशासन अपने तरीके से समाधान भी निकालेगा। आंदोलन और अपनी बात को रखने का अधिकार प्रत्येक को है, लेकिन इसके नाम पर उपद्रव और देशद्रोही कृत्य करने की छूट किसी को नहीं होगी। या कहते हुए मैं आज नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।